हेलो एवरीवन, इट्स मी समीक्षा। समीक्षा व्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं समीक्षा आप सबके लिए लेके आई हूँ इजी रेसिपीज जो आप कम समय में बना सकते हैं। सो आइए देखते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं एग करी। एग करी बनाने के लिए मैंने 4 एग्स लिए हैं, आपकी 2 प्याज लिए हैं, लहसुन लिए हैं, 2 हरी मिर्च लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, ये हरा धनिया लिया है। आइए इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एग को बॉईल करने रख दिया है और ये जो हमने अपना लहसुन प्याज लिया था इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, टमाटर भी ग्राइंड कर लेती हूँ, यहाँ मैंने धनिया काट लिया है और ये हरी मिर्ची भी काट ली। अब हम एग को फ्राई करेंगे। एग को फ्राई करने के लिए मैंने ये ऑयल लिया है सरसों का, इसमें हम एग डालेंगे। मसाला बनाने के लिए हमने इसमें लहसुन प्याज जो ग्राइंड किया था वो मैंने ऑयल में डाल दिया है, ये पक रहा है। अब हम इसमें टमाटो ऐड करेंगे। ये मैंने जो टमाटो का पेस्ट बनाया था वो मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, 2 चम्मच धनिया डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, एक चम्मच गरम मसाला डालेंगे। इसको चला लेते हैं। इसको तब तक पकाते हैं जब तक हमारा ऑयल पक ना जाए, हमारा मसाला पक ना जाए। हम वेट करते हैं। हम मसाले को सेम आंच पे पकाते हैं और इसको ढक देते हैं। आइए देखते हैं, हमारा मसाला पक चुका है, इसमें ऑयल ऊपर आ चुका है। मसाले हमें हम ऐड डाल लेते हैं जो हमने फ्राई किए थे ये, और इसमें हरा धनिया जो हमने कट किया था वो डाल देते हैं, और जो हरी मिर्च कट की थी वो डाल देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एग करी रेडी है। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें बटर ऐड कर देते हैं। एक बार प्लीज आप जरूर ट्राई करके देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड कमेंट करके प्लीज बताएं कि आपको ये कैसी लगी है। एक बार जरूर बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।